सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो के नए स्मार्टफोन रेनो 4 प्रो के बारे में, जो कि आज इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। ओप्पो रेनो सीरीज का ये नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, और प्रो तो सिर्फ इन्होंने नाम के लिए लगाया है। सिर्फ रेनो 4 स्मार्टफोन रखते तो भी ये ठीक होता। आप सब ने दोस्तों काफ़ी सारे चैनलों पर इसकी अनबॉक्सिंग देखी होगी, वहीं पर आपने इसके रिव्यूज़ भी पढ़े होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम बड़े यूट्यूबर्स हैं वहाँ पर ओप्पो ने इनकी यूनिट भेज दी थी, और प्रमोशन के लिए उन्होंने सिर्फ इसकी पॉजिटिव साइड बताई है, किसी ने इसकी नेगेटिव साइड नहीं बताई। और मेरे ख्याल से एक या दो को छोड़ के किसी ने भी आपको ये रिकमेंड नहीं किया होगा कि आप इस स्मार्टफोन को मत लें। तो इस वीडियो में हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि कैसा ये स्मार्टफोन है आप सबके लिए, क्या ओप्पो ने आपको ऑफर किया है, क्या इसकी प्राइसिंग है, और इसके कंपैरिजन में क्या मिलता है आपको, और क्या आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए। सो गाइज, अगर आप भी सोच रहे हैं ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन लेने के लिए, तो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि आपको इस स्मार्टफोन को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, और किस कस्टमर्स के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सभी स्पेक्स के बारे में। तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। ये दोस्तों दोनों साइड से कर्व डिस्प्ले है, जिसमें कि आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी, और 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले वाइज अगर हम बात करें तो परफेक्ट स्मार्टफोन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले ओप्पो ने प्रोवाइड करवाई है, और काफ़ी अच्छा और प्रीमियम दिखता है ये डिस्प्ले। डिस्प्ले वाइज पूरे नंबर जाते हैं ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन को। इसके बाद गाइज नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देखने को मिलता है, और सेम प्रोसेसर आपको पोको ऑफर करता है 14,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, पोको M2 प्रो जो स्मार्टफोन है सेम प्रोसेसर के साथ में आता है, और उसकी प्राइसिंग इंडिया में 14,000 रुपये है। और रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन आपको 35,000 रुपये में मिलता है, और ओप्पो ने इसके अंदर सेम प्रोसेसर दिया है जो कि आपको 14-15 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इसका चाइनीज वेरिएंट था गाइज, वहाँ पे स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट दिया था, जो कि 5G के साथ में आता था। तो ये ओप्पो ने काफ़ी गलत काम किया है इंडियंस के साथ कि इन्होंने इसको डिक्रीज कर दिया है प्रोसेसर को। यहाँ पे एटलीस्ट इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट मिलना चाहिए था, जो कि 5G के साथ में होता। तो अगर प्रोसेसर की बात करें तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये स्मार्टफोन आपको, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है और काफ़ी लो ग्रेड का प्रोसेसर इन्होंने इसमें यूज किया है। वहीं पे आपको इसके अंदर दोस्तों 8GB तक का रैम देखने को मिलेगा, और 256GB तक की स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पे UFS 2.1 स्टोरेज का इन्होंने यूज किया है, और इसके अलावा आपको स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों बिल्कुल ना है स्मार्टफोन को। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो स्मार्टफोन से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि इससे काफी कम प्राइस में आपको इससे काफी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा है 48MP का, और ये 48MP का सेम सेंसर है जो कि आपको OnePlus Nord स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है, Sony IMX 586 सेंसर। इसके अलावा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2MP का डेप्थ सेंसर है, 2MP का मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, ये 2MP के जो कैमरा अटैच करते हैं ये सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए होते हैं, इसका कोई खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं इसके चाइनीज वेरिएंट की, तो वहां पे आपको काफी अलग कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। वहाँ पे 48MP का एक प्राइमरी कैमरा है, इसके अलावा आपको 13MP का एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। तो इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसको 12 से घटा के 8MP का किया गया है, और जो 13MP का टेलीफोटो लेंस था जो कि काफ़ी अच्छा होता, जिसमें कि आपको 2x ऑप्टिकल जूम वगैरह भी मिल जाता, उसको हटा के यहाँ पे 2-2MP के दो कैमरे चिपका दिए हैं, क्योंकि 4 कैमराज इनको दिखाने थे। तो कैमराज के मामले में भी बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं है, इससे काफ़ी अच्छे सेटअप आपको इस प्राइस रेंज में मिलने चाहिए थे। जो चाइनीज वेरिएंट था दोस्तों, वहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि इमेज स्टेबलाइजेशन और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, उसको भी इस कैमरा से हटा दिया गया है। तो ये भी काफ़ी गलत बात है ओप्पो की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो 32MP का आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि अच्छी सेल्फीज लेने में आपके लिए यूजफुल होगा। लेकिन जो भी चेंजेस इन्होंने इसके कैमरा में किए हैं वो काफ़ी गलत हैं, नहीं होने चाहिए थे। एटलीस्ट जो चाइनीज वेरिएंट आपको देखने को मिलता है वही स्पेक्स अगर प्रोवाइड करवा देते तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये हो सकता था। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज इसकी कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो 4000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, जो कि थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी, एटलीस्ट 4500mAh की इसमें प्रोवाइड करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों ये बैटरी इसलिए कम है क्योंकि इन्होंने इसको स्लिम बनाने की कोशिश की है और इसके लुक्स पे काफ़ी फोकस किया है।
इस स्मार्टफोन की जो मेन हाईलाइट है वो है इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी। 65 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है जो कि काफ़ी जल्दी आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा और 36 मिनट में ये 100% चार्ज हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस स्मार्टफोन की कि फास्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छी दी है। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन बनाया गया है डिज़ाइन के लिए, लेकिन डिज़ाइन में भी काफ़ी बड़ी कमी है एक कि ये प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, 35,000 का स्मार्टफोन है और यहाँ पे ग्लास बॉडी इन्होंने यूज़ नहीं की है, प्लास्टिक की बॉडी दी है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन का, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलनी चाहिए थी और मेटल का फ्रेम अगर होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में कि यहाँ पे आपको क्या अच्छा मिलता है क्या बुरा मिलता है। इस स्मार्टफोन में सिर्फ 3 चीज़ अच्छी है दोस्तों, एक इसकी डिस्प्ले, एक इसका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा है दिखने में, और वहीं पे एक इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है। अदरवाइज़ दोस्तों कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता जो कि 35,000 को जस्टिफाई कर सके। हमने दोस्तों इसे पिछली वीडियो में बात की थी सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 19,500 रुपये के प्राइस में लॉन्च हुआ और काफ़ी सारे कस्टमर्स बोल रहे थे कि ये काफ़ी ओवर प्राइज स्मार्टफोन है, बल्कि आपको 18-19 हज़ार रुपये में रेडमी रियलमी के स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जबकि सैमसंग ने आपको एक इतनी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई है, इतनी बड़ी बैटरी है, इसके अलावा सिक्योर स्मार्टफोन है, कोई एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते। तो चाइनीज स्मार्टफोन की बजाय काफी अच्छा ऑप्शन है 19,500 रुपए में, लेकिन ये होता है दोस्तों एक ओवर प्राइस स्मार्टफोन। 35,000 में आपको 14-15 हज़ार रुपये वाला प्रोसेसर दे रहे हैं, प्लास्टिक की बॉडी दे रहे हैं, 4,000 mAh की बैटरी और 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा लगा के 4 कैमराज आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों स्मार्टफोन को ना है 35,000 रुपये में, इससे अच्छा आप वन प्लस नोट की तरफ जाइए 28,000 रुपये में, वो भी थोड़ा ओवर प्राइस है, लेकिन स्टिल दोस्तों अगर आपको ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो वो स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको ऑक्सीजन ओएस मिलेगा, जल्दी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इस स्मार्टफोन में एक प्रोसेसर अपग्रेड किया जा सकता था, कैमराज अपग्रेड किए जा सकते थे, इसके अलावा आपको ग्लास बॉडी प्रोवाइड करवाई जा सकती थी 35,000 में, तब जाके स्मार्टफोन थोड़ा अच्छा होता। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों बिल्कुल नहीं लेना चाहिए 35,000 में। बाकी ये आपके ऊपर दोस्तों कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, किसी को अच्छा लग सकता है जिसको कि सिर्फ डिजाइन चाहिए और एक कर्व डिस्प्ले चाहिए, वो स्मार्टफोन को ले सकता है। अदरवाइज दोस्तों आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A71 एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो X3 सुपर जूम इससे काफी सस्ता आता है और एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ में अवेलेबल है। तो यही थी सारी डिटेल दोस्तों इस स्मार्टफोन की, बाकी आप हमें बताइए कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और इसका एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए था। मेरी नजर में ये 28,000 रुपये के आसपास रखते तो भी ये अच्छा होता। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी टेक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।